साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमार जिंदगी में। आज हम करने जा रहे हैं तरसीलनामा मास कम्युनिकेशन 335 का सबक नंबर 28, फोटो जर्नलिस्ट का रोल। तो आखिरी सबक है इसका 28 का भी है, फोटो जर्नलिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में, फोटो जर्नलिस्ट की क्या तैयारी होती है उसको देखिए आप। इसमें कह रहे हैं वाकयात किसी का और ख़ास तौर से फोटो जर्नलिस्ट का इंतज़ार नहीं कर, फोटो जर्नलिस्ट को तेज़ी के साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसे अपने कैमरे और दूसरे साजो सामान तैयार हालत में रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा दिलचस्प तस्वीर फोटो जर्नलिस्ट की शाबकस्तगी और फुर्ती का नतीजा होती है जो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त जगह मौजूद होती है। अगर फोटो जर्नलिस्ट अपने काम में सुस्त और काहिल होता है तो उसके लिए कई अहम मौक़े से महरूम हो जाने के इम्कान, उसके लिए कई अहम मौक़ों पर मौजूद होना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसको अपने कैमरे के साथ बेहतरीन और दुरुस्त पोजीशन में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट की क्या है तैयारी की बात। ताहम वाकयात भी होते हैं जिनके लिए फ़ोटो जर्नलिस्ट पहले से तैयार नहीं था, मिसाल के तौर पर दहशत गर्दाना अपने फिर हादसा, ट्रेन का हादसा, जलजला, पुल का गिरना। अगरचे उस वक्त इस तरह का कोई वाकया रूनुमा हो जाए तो कोई फ़ोटो जर्नलिस्ट मौके पर मौजूद होता है तो उसे फौरी तौर पर कार्रवाई करनी होती है और उसके साथ अपनी हिफाजती और सलामती को भी यकीनी बनाना होता है। तस्वीर का एक छोटा सा इंतखाब ही रोज़ाना के अखबार में आ पाता, ऐसा क्यों? जैसा कि रिपोर्टर के ज़रिए जमा की गई खबरों में बहुत मबनी सभी कहानियां अखबार में शामिल नहीं हो पाती, इसी तरह फोटो जर्नलिस्ट के ज़रिए खींची गई तस्वीर अखबार में शाये नहीं होता। मुख्तलिफ फ़ोटो जर्नलिस्टों के ज़रिए खींची गई सभी तस्वीर को फ़ोटो एडिटर हर रोज़ जायज़ा लेता है और ये फैसला करता है कौन सी तस्वीर शाये होंगी और कौन सी। आइए हम देखते हैं फोटो एडिटर ये काम किस तरह करता है। सबसे अहम काम दिन के बड़े वाकयात के बारे में खबरों की तैयारी। एक तस्वीर को जो दिन की सबसे अहम खबर को सहारा देती है शाया करना यकीन, मिसाल के तौर पर दिन की सबसे अहम खबर यह है कि ईंधन की कीमतों में इजाफा होने जा रहा, तो पेट्रोल पंपों पर ऑटो रिक्शा व ट्रकों की लंबी कतारों की तस्वीर छापना कतई इम्कानी है। दूसरा जेरो गौर मरहला खुद तस्वीर का है। अगर सबसे अहम काम दिन के बड़े वाकयात के बारे में खबरों की तैयारी का, एक तस्वीर का जो दिन की सबसे अहम खबर को सहारा देती है शाये करना यकीन, मिसाल के तौर पर दिन की सबसे अहम खबर है ईंधन। दूसरी जेरो गौर मरहला खुद तस्वीर का है। अगर तस्वीर तेज़ी के साथ अपना मकसद बयान करती है तो इससे खबर की कहानी फौरी तौर पर आया हो जाए तो इसकी इशात का बेहतर इम्कान, मिसाल के तौर पर सैलाब की ऐसी तस्वीरें जिसमें मकानों की सिर्फ छतें नज़र आ रही हों बाकी कुछ जेर आब, ऐसी सैलाबी के बारे में हज़ार अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून से ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। ठीक है, जब फोटो जर्नलिस्ट फोटो फीचर तैयार कर रहा हो तो उस वक्त एक मुख्तलिफ रवैये और तैयारी के लिए मुख्तलिफ तरीके की ज़रूरत होती है और फोटोग्राफर को सब्र तहम्मुल से काम लेना होता है और उन अफराद को भरोसा एतमाद हासिल करना होता है जिनकी तस्वीर खींची होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब कैमरे का रुख उनकी तरफ होता है तो वो घबरा जाते हैं या शर्माने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात के लिए आसान बनाया जाए कि फ़ोटो जर्नलिस्ट अफराद के दरमियान थोड़ा सा वक्त गुजारें तस्वीर खींचने, इससे पूछे कि क्या कर रहे हो और तस्वीर खींचने के मकसद की वजाहत करें। ठीक है, मतन पे हम अपने सवाल आते हैं। फोटो जर्नलिस्ट और अखलाकियात, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के वक्त के हिसाब से। देखिए, सहाफत में अखलाकियात बहुत अहमियत की हामिल है। अखलाकियात वो अखलाकी उसूल हैं जो लोगों के रवैयों पर असर डालते हैं। सहाफियाना अखलाकियात और अखलाकी उसूल जो सहाफत के तमाम शक्लों के अंदर, ये फ़ोटो जर्नलिस्टों की रहनुमाई करते हैं कि क्या गलत है और क्या।
सच्चाई, हकीकत, साहबियाना अखलाकियत की बुनियाद। फोटो जर्नलिस्ट को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी तस्वीर खींचे वो सच्चाई और हकीकत पर मबनी। ठीक है, ये चीज़ बहुत अहमियत है कि फोटोग्राफर जो है ऐसी चीज़ों को क्लिक करे। जैसे अगर किसी फर्द को सिगरेट पीते हुए देख सकते हैं, जबकि हकीकत में उस फर्द ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट को अपनी उंगलियों में पकड़ा भी नहीं हो, तो आप उसको किसी ऐसे शख्स के साथ दिखा सकते हैं जिससे वो ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। आप किस जगह पर लोगों की भीड़ दिखा सकते हैं, जबकि हकीकत में तस्वीर खींचते वक्त उस जगह पर सिर्फ चंद अफराद थे। तो ये सब चीज़ें अखलाकियात के ख़िलाफ़, तो तस्वीर खींचने वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी तस्वीर खींचनी चाहिए जो हकीकत पर मबनी। मदन पे मबनी सवालात हैं, सही और गलत। अब हिंदुस्तान में फ़ोटो जर्नलिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा बोल। फोटोग्राफी अपने दरियाफ्त के तकरीबन 2 साल के अंदर हिंदुस्तान पहुंची, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान पर बरतानिया की हुकूमत थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उस वक्त के उनके मनाजिर को और यादगार की तस्वीरें उतारना शुरू। जब हिंदुस्तान में 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो ये दुनिया में जंगी फोटोग्राफी की सबसे पहला हुआ, और आपने रसायल में इनसे कुछ तस्वीर देखी होंगी। बाद में जब कैमरे का साइज़ छोटा हो गया तो फोटो जर्नलिज्म ज़्यादा मामले, उस वक्त हिंदुस्तान में सियासी वाकयात और तहरीक आज़ादी शुरू। देखिए राजा दीन दयाल हिंदुस्तान के काबिल जिक्र अव्वलिन फ़ोटो जर्नलिस्टों में से एक, हैदराबाद की छठ निज़ाम और दौरे हुकूमत में दरबारी फोटोग्राफर। इसके बाद जो है और भी हैं इस मैदान में, उस वक्त के मारूफ फोटो जर्नलिस्टों में सुनील जिन्ना का नाम काबिले जिक्र है, जो एक सियासी कारकुन और सहाफ़ी थे। सुनील जिन्ना अपने अखबार के लिए मकालात लिखते थे, तस्वीर खींचते थे। सुनील जिन्ना के ज़रिए खींची गई है तस्वीर। इसके बाद है फोटो जर्नलिस्टों में एक नाम खसूसी तौर पर जिक्र करना, उसका सबब यह है कि मैदान पर मर्दों का तसल्लुत था, वहाँ वो पहली खातून फोटो जर्नलिस्ट, उसका नाम था हुमाई वियोर वेला। उनकी तस्वीर दी मुंबई कर्मेनल में 1800 में शायद, उसके बाद उस वक्त की बड़ी इशात और अखबार उनकी तस्वीर शाये होने लगी। उन्होंने दूसरे आदमी जंग के दौरान द स्टेट विल ऑफ इंडिया में काम किया और हिंदुस्तान में जंगी दौर की सरगर्मियों के हर पहलू का इहाता किया। ठीक है, ये देख सकते हैं मोबाइल वीडियो। इसके बाद एक और है, इसी तरह बहुत से बैन अवी फोटोग्राफर हैं जो हिंदुस्तान के बारे में फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। उनमें से एक नाम हैरी काइटर विंस का नाम बहुत, हैरी काइटर विंस फ्रांसीसी था, उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्टों में होता है। आप देख सकते हैं उनकी एक खुद, ये उनके ज़रिए क्लिक की गई फोटोज हैं। ठीक है, और आज़ादी के बाद फोटो जर्नलिस्टों के रिगोए के नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। रघु राय की तस्वीर आज भी हमारे सामने आती है, उनके लिए फोटोग्राफी उनका मशगला आज भी उनका मशगला आज भी जारी है। रघु राय फोटो जर्नलिस्ट ने अपने करियर 1960 की दहाई से दिल्ली में शुरू किया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो। इसके बाद मतन को अपने सवाल आते हैं और आपने क्या सीखा, ये सारी बातें इख्तितामी मंच के ये देख लीजिए, और यहाँ पे इसके सवाल आते हैं सही गलत। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आओ। इसके बाद एक पेपर है, नमूना है, वो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया, वो मैं इसी प्ले लिस्ट में डाल दूँगा और ये पूरी बुक्स मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज भी हमारे साथ आप हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।